सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। भवन एवं सड़क निर्माण कामगार संघ हरियाणा से संबंधित भारतीय मजदूर संघ पलवल जिला इकाई ने श्रमिकों की मांगों को लेकर ताऊ देवीलाल पार्क में विरोध प्रदर्शन किया और श्रम विभाग की श्रम विरोधी नीतियों को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान गुलाब सिंह राणा ने कहा कि श्रम विभाग के उच्च अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। साल 2017 से लेकर साल 2018 में श्रम विभाग की ओर से लगभग 4,50,000 पंजीकरण कराए गए थे। पंजीकरण किए गए मजदूरों को योजनाओं का लाभ देने की बजाय अधिकारियों ने पंजीकरण को रद्द कर दिया, जबकि पंजीकरण के समय मजदूरों ने पंजीकरण की फीस बोर्ड में जमा करवाई हुई है। पंजीकरण रद्द करने के पीछे बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 4,00,000 श्रमिकों की कॉपी बनी हुई है, जिसका लाभ लेने के लिए मजदूर श्रम विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से मिलने वाली सभी 31 प्रकार की योजनाओं, मातृ लाभ योजना, बेटियों के लिए कन्यादान, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, औजार योजना, साइकिल योजना, सिलाई मशीन योजना, छात्रवृत्ति योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ श्रमिकों और मजदूरों को दिया जाए, कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 30 जून तक श्रमिकों की मांगों को पूरा नहीं किया तो श्रमिक श्रम कल्याण बोर्ड का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। हमारा एक बोर्ड है BOCW बोर्ड, उस बोर्ड में हमें भारतीय मजदूर संघ को और भी जितनी यूनियन थी इनको एक अधिकार दिया गया था कि जो एक साल में 90 दिन का इनका काम हमें देना होता है तो वो हमारा वैध होता था, उसके ऊपर हम इनको बेनिफिट दिलाते थे। लेकिन पिछले साल 2018 में अधिकारियों ने, जो मुख्य सचिव है श्रम बोर्ड का, उसने हमारी जो यूनियनों का जो कार्य प्रमाणित करने का जो हमारी अथॉरिटी थी उसको रद्द कर दिया गया है और इसी को लेके हमारे मजदूरों में भारी रोष बनी। बैंक कर्मचारी की है, उसका 7वां पे कमीशन का आज तक लाभ नहीं दिया जा रहा है और 30 मई 2017 को पत्र जारी हुआ है रजिस्ट्रार साहब का और उसके आदेश की आज तक अनुपालना नहीं हुई है, ना प्रमोशन हुई है ना ही सैलरी फिक्स हुई है किसी की भी। और ये एक्स ग्रेसिया केस है, उसमें दोबारा से हम उसको बहाल करने की मांग कर रहे हैं। गाँव में जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है उनको मनमानी तरह से सरपंच सैलरी दे रहा है, किसी की एक साल सैलरी नहीं है जो कि होनी चाहिए, समान काम समान वेतन में वही सरकारी कर्मचारी है। सत्य खबर के लिए पलवल से मुकेश बघेल की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।